हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखो बच्चों, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। अगर हम लोगों ने 12th पास कर लिया है और हम IIT की तैयारी करना चाहते हैं YouTube से, तो IIT की तैयारी में हम लोग YouTube से मैथ्स को कैसे पढ़ेंगे। देखो बच्चों, मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रहा हूँ IIT के लिए, 11th 12th और IIT के लिए 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने कोटा की टॉप कोचिंग्स में पढ़ाया हुआ है और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे IIT करके अच्छी अच्छी जगहों पर पोस्टेड हो गए हैं। तो देखो बच्चों, मैं आपको बताऊं, YouTube से अच्छा तरीका पढ़ने का आज तक मैंने नहीं देखा। YouTube एक ऐसा तरीका है पढ़ने का जहां पर आप घर बैठे बिना किसी को एक पैसा दिए, कहीं बिना आए जाए, आप घर बैठे आराम से अपनी IIT की तैयारी को कर सकते हैं। आप गांव में हैं, आप दूर बैठे हैं, कहीं पर बैठे हैं, आप कहीं पर बैठे बैठे IIT की तैयारी बिना एक भी पैसा खर्च किए कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, जो मैं आपको देने जा रहा हूँ कि मैथ्स कैसे पढ़ें YouTube से। देखो बच्चों, अगर आप IIT की तैयारी करना चाहते हैं और हाँ आप 12th पास हैं, ये जो मैं गाइडलाइंस दे रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए जो 12th पास हैं, उन बच्चों के लिए। बाकी 11th के बच्चे कैसे पढ़ें, 12th के बच्चे कैसे पढ़ें, इनके मैंने वीडियो अलग बनाए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैं 12th पास बच्चों को गाइडलाइंस देने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, ध्यान दो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलस को पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले आप कैलकुलस को पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, ठीक है। और कैलकुलस में भी सबसे पहले आप पढ़ेंगे टॉपिक फंक्शंस को। फंक्शंस टॉपिक आप सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, जब बच्चे कोटा में तैयारी करने जाते हैं तो वहां भी सबसे पहले एक टॉपिक बेसिक्स बच्चों को पढ़ाते हैं। वो बेसिक्स क्या होता है, वो बेसिक्स फंक्शन ही होता है और कुछ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पढ़ाते हैं, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे फंक्शन पढ़ाए जाते हैं। तो आप भी सबसे पहले कैलकुलस पढ़ेंगे और कैलकुलस में सबसे पहले आप फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पूरी कैलकुलस को एक साथ तैयार करेंगे। देखो फंक्शन में आप कैसे पढ़ेंगे, देखो आप जाएंगे h.d.mathematics, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, h.d.mathematics, इस चैनल पर आप जाएंगे, ठीक है। और आप इसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको एक टॉपिक मिलेगा फंक्शंस फॉर क्लास 12th एंड IIT। तो आपको क्लास 12th वाला फंक्शन स्टार्ट करना है, क्लास 11th वाला आपके काम का नहीं है। आपको जैसे कुछ टॉपिक 11th 12th दोनों में हैं तो आपको वो टॉपिक 12th में जाकर पढ़ने हैं। तो क्लास 12th और IIT के लिए आपको प्लेलिस्ट पे साफ साफ लिखा हुआ है फंक्शन फॉर क्लास 12th एंड IIT, तो वो फंक्शंस आप उठाएंगे और आप उसको पढ़ेंगे। उस फंक्शन के लास्ट में आपको NCERT सॉल्यूशंस मिलेगा, तो NCERT सॉल्यूशंस आपको देखने की जरूरत नहीं है, NCERT सॉल्यूशंस की एक्सरसाइजेस आप उसमें छोड़ देंगे। फिर जब आप फंक्शन टॉपिक पूरा कर लेंगे, फिर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी IIT मेंस लेवल क्वेश्चन फॉर फंक्शंस। क्या बोला मैंने, IIT मेंस लेवल क्वेश्चंस ऑफ फंक्शन, तो वो आप IIT मेंस लेवल, देखो बहुत से क्वेश्चन तो मैंने फंक्शन के साथ साथ ही कराए हुए हैं, फिर आप IIT मेंस लेवल ऑफ फंक्शंस के क्वेश्चन को करेंगे। फिर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी IIT एडवांस लेवल क्वेश्चन ऑफ फंक्शन, तो आप IIT एडवांस लेवल क्वेश्चन ऑफ फंक्शन भी करेंगे। इन प्लेलिस्ट में जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मार्केट में चलते हैं, जो पुराने IIT के हैं, ये सारे इसमें हैं, है ना। तो पहले आप क्लास 12th और IIT का फंक्शन पढ़ेंगे, इसमें आपको थ्योरी प्लस अच्छे सवाल मिलेंगे। फिर आप मेंस लेवल के IIT के क्वेश्चंस हैं फंक्शन के लिए, है ना। क्या नाम प्लेलिस्ट का है, मेंस लेवल IIT क्वेश्चन ऑफ फंक्शन, फिर एडवांस लेवल IIT क्वेश्चन ऑफ फंक्शंस, है ना। ये आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी और हर टॉपिक में आपको ऐसे ही तीन तीन प्लेलिस्ट मिलेंगी। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी एक प्लेलिस्ट आपको क्लास 12th में मिलेगी, ठीक है। 12th की बात है ना, 12th एंड IIT के लिए मिलेगी, उसे आपको पढ़ना है। फिर आपको NCERT एक्सरसाइज नहीं उसमें करनी है। फिर आपको मिलेगी मेंस लेवल क्वेश्चंस ऑफ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो करना है, वो एक अलग प्लेलिस्ट है। फिर आपको एडवांस लेवल क्वेश्चन ऑफ है ना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो करना है। देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के साथ में मैंने लिमिट का ठीक ठाक आइडिया दिया हुआ है, लेकिन लिमिट टॉपिक मैंने अलग से भी पढ़ाया हुआ है। तो लिमिट की ही आपको इस तरीके से प्लेलिस्ट मिलेगी, मेंस लेवल क्वेश्चन ऑफ लिमिट,
एडवांस लेवल क्वेश्चन ऑफ लिमिट, ये सारे आपको करने हैं। अच्छा, जो आप मेंस लेवल के क्वेश्चन भी आप करेंगे तो इसमें साथ साथ मैंने थ्योरी बताई हुई है, थ्योरी जिसकी जितनी ज़रूरत है उसको मैंने समझाया हुआ है। फिर आप आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी के लिए, बता दूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसकी देखो खास बात क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब आप करेंगे उसके बाद मेंस लेवल क्वेश्चन और एडवांस लेवल क्वेश्चन पर जब आप जाएंगे तो उसके साथ ही साथ मैंने करीब करीब मान लो 80-90% आपको कोऑर्डिनेट भी समझा दिया है। मतलब अगर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को अच्छे से कर लेंगे तो आप टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 80-90% आप कवर कर लेंगे, एक्सेप्ट स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस उसमें कवर नहीं है तो स्ट्रेट लाइंस आप अलग जाके पढ़ लेंगे। हालांकि कोऑर्डिनेट के मेरे सारे टॉपिक की प्लेलिस्ट अलग अलग भी है, जैसे स्ट्रेट लाइंस की अलग है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की अलग है, सर्कल की अलग है, पैराबोला की अलग, एलिप्स हाइपरबोला सब की अलग अलग प्लेलिस्ट है। लेकिन मैंने एप्लीकेशन ऑफ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन जो बेटा होता है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और कोऑर्डिनेट को मिल करके बनता है। इसी प्रकार लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में अच्छा क्वेश्चन जो होगा उसमें लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सब मिक्स होकर के आता है, तो वो उसी तरीके से चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। अगर अलग अलग पढ़ते रहेंगे तो आईआईटी के सवाल नहीं कर पाएंगे। अलग अलग पढ़ के अपने मन को खुश कर सकते हैं कि हाँ मैंने पढ़ लिया, लेकिन जब आईआईटी में सवाल आएगा तो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है, मुझे कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस है आईआईटी के बच्चों को पढ़ाने का, तो मुझे मालूम है आईआईटी वाले क्या सोचकर पेपर बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को ध्यान से पढ़ना है। मैंने बताया हर चैप्टर में मेरी तीन तीन प्लेलिस्ट है, एक बार वो टॉपिक है 12th एंड आईआईटी, फिर एक बार वो टॉपिक है मेंस लेवल का, एक बार एडवांस लेवल का है। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस आप छोड़ सकते हैं, वो 12th वाले बच्चों के लिए स्पेशली हैं, वो आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, और हाँ मैंने बताया कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के साथ साथ मैंने कोऑर्डिनेट काफ़ी पढ़ा दिया है। और हाँ, फंक्शन टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो फंक्शन के बाद आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ेंगे, उसकी भी अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी सारी चीज़ें मैंने समझी, क्योंकि बिना फंक्शन पढ़े हुए आपको ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी समझ में नहीं आएगा। फंक्शन पढ़ते ही पढ़ते आप ये मान लीजिए करीब 60-70% ट्रिग्नोमेट्री अपने आप ही सीख जाएंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री ही एक तरीके से फंक्शन का पार्ट है। और फंक्शन में पढ़ते पढ़ते आप बहुत सी बातें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की भी सीख जाएंगे, जैसे ग्राफ ड्रॉ करना, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना, ये सारी बातें आप फंक्शन में ही सीख जाएंगे। तो मेरे यहाँ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा उससे कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उसके बाद फिर तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको बहुत डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि इनडेफिनिट को बिना पढ़े हम डेफिनिट भी नहीं सीख सकते, डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं सीखते, एरिया भी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो ये पूरा कैलकुलस आपको तैयार करना सबकी प्लेलिस्ट है। कैलकुलस को पढ़ने के बाद बेटा आपको पढ़ना है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, फिर प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। वहाँ पर भी यही चीज़ है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फॉर क्लास 11th एंड आईआईटी की एक अलग प्लेलिस्ट है, उसके बाद मेंस लेवल की अलग प्लेलिस्ट है, एडवांस लेवल की अलग प्लेलिस्ट है। तीनों प्लेलिस्ट आपको देखनी है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। जब आप मेरे चैनल पर पढ़ेंगे, इसके अलावा आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रॉब्लम शीट की ज़रूरत नहीं है, किसी डीपीपी की ज़रूरत आपको नहीं है, इतने क्वेश्चन मेरे चैनल पर रहते हैं। कम से कम हर टॉपिक के 300+ क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हुए हैं, और अगर आपने वो कर लिए तो आप दुनिया के सारे क्वेश्चन किताबों में, जितने भी क्वेश्चन हैं, दुनिया के तो नहीं खैर ज़्यादा बड़ा बोल गया, किताबों में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, उसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी है, वहाँ भी ये सारी प्लेलिस्ट अपने पास है। फिर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने के बाद आपको आना है 3D पर, फिर आपको 3D पढ़नी है, 3D, क्योंकि 3D का ही मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, तो 3D आपको पढ़नी है पूरी डिटेल से, सारी प्लेलिस्ट उसके पास है 3D। अच्छा, 3D पढ़ने के बाद फिर आप वापस आ जाइए कोऑर्डिनेट पर, मतलब 2D पर, जिसमें आपको स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, बाकी फिर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये काफ़ी हद तक आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कवर कर चुके हैं, लेकिन दोबारा इनको अलग से भी पढ़ लीजिए, अलग भी मेरे पास प्लेलिस्ट है, तो उनमें से बहुत सी चीज़ें आपको कॉमन मिलेंगी, कुछ एक आध चीज़ आपको नई भी मिल जाएगी अगर आप अलग से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा कैलकुलस पढ़ना है, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, फिर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, और फिर आपको पढ़ना है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आता है आपका एलजेब्रा का पोर्शन। एलजेब्रा में आप जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक बहुत सारी आपकी फंक्शन में ही कवर हो जाएगी, इसलिए फंक्शन को पढ़ना हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है।
क्वाड्रेटिक का बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके फंक्शन में ही क्लियर हो जाएंगे। और आपको एलजेब्रा में सबसे पहले पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो एलजेब्रा का बहुत बड़ा टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के बाद फिर आप प्रोग्रेशन पढ़ सकते हैं, उसके बाद बायनोमियल थ्योरम भी आप पढ़ सकते हैं, फिर आप डिटरमिनेंट मैट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपको एलजेब्रा पढ़ने के बाद फिर आपको आना है अपना, देखो 3D पढ़ने से पहले वेक्टर जरूर पढ़ लेना, वेक्टर 3D दोनों एक साथ चलेगा, ध्यान देना। 3D से पहले आपको वेक्टर पढ़ना है ना, तो पहले आपको कैलकुलस, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर आपको वेक्टर, फिर 3D, फिर आपको आना है 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। इसके सारे टॉपिक आपको डिटेल से पढ़ने हैं, फिर आप आ जाइए एलजेब्रा पर, उसके बाद फिर आप ट्रिग्नोमेट्री पर वापस आइए। हालांकि बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री आप फंक्शन में कवर कर लेंगे, 80-90% ट्रिग्नोमेट्री आप फंक्शन में कवर कर लेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, उनके डोमेन क्या होते हैं, उनके रेंज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन क्या होता है, वो काफ़ी हद तक आप फंक्शन में कवर कर लेंगे। लेकिन मेरी उनके पास अलग प्लेलिस्ट भी है, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में जा करके ट्रिग्नोमेट्री, जैसे आपका हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन की अलग प्लेलिस्ट है, उसको आप पढ़ लीजिए। फिर आप देखिए सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, हालांकि वो टॉपिक आजकल IIT मेंस में नहीं आता, एडवांस में आता है केवल, फिर भी आप तैयारी देखिए पहले से, क्योंकि आप तो भाई मेंस क्वालिफाई ही कर लेंगे, उसमें कोई सोचने की बात थोड़ी है। ये थोड़ी कि आप मेंस में लटक जाएंगे, आप मेंस क्वालिफाई कर लेंगे, तो सीधे आप IIT एडवांस की तैयारी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, ध्यान रखना, एक एक बात आपको समझ में आएगी और किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से आपको बेहतर समझ में आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे देता हूँ। आप घर बैठ करके बिना किसी को एक पैसा दिए सब कुछ सीख सकते हैं, एक एक बात आपको समझ में आएगी, बस आप पेशेंस के साथ में, थोड़ा सा मेहनत के साथ में, हिम्मत के साथ में आप IIT की तैयारी शुरू करिए और HD मैथमेटिक्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए वीडियो के बारे में मालूम चलता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो परेशान बिल्कुल मत होना, घबराना बिल्कुल मत होना, आप घर बैठ करके और जो भी कोई प्रॉब्लम हो कभी भी आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, है ना। वीडियोस में मेरे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। कोई अपनी प्रॉब्लम हो फ़ोन मत करना प्लीज़, क्योंकि मैं ज़्यादातर क्लास में रहता हूँ, मुझे 7-8 घंटे डेली मैं देखो वीडियो बना रहा हूँ बेटा आजकल, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं रहता है। और हाँ, प्लेलिस्ट थोड़ा ध्यान से उठाना, क्योंकि कई टॉपिक 11 ऐसे फंक्शन 11 का भी है, फंक्शन 12 का भी, आपको 12 का पढ़ना है, क्योंकि 12 में ही मैंने 11 का समझा दिया है। जैसे प्रोबेबिलिटी है, आपको 11 का प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना, आपको सीधे 12 का प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, 12 में ही मैंने 11 का समझा दिया है, ठीक है। ऐसे कई टॉपिक हैं, जैसे 3D है, 3D आपको 11 का बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको सीधे 12 का 3D पढ़ना है, 12 में ही मैंने 11 का 3D समझा दिया है। लिमिट है, आपको लिमिट 11 का बिल्कुल नहीं पढ़ना, आपको 12 का लिमिट पढ़ना है, 12th में ही आपको 12 का मतलब वही कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना है, उसमें मैंने लिमिट जो है वो सब बताया हुआ है डिटेल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जरा, और क्योंकि मेरे कई सारे वीडियो BSc MSc के भी जाते हैं और कई बार सेम टॉपिक हैं, जैसे कि आपका IIT का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर और MSc में काम आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो थोड़ा टॉपिक देख करके, हालांकि सब क्लियर लिखा हुआ है कि क्या 11 के लिए, क्या 12 के लिए, क्या BSc के लिए, क्या MSc के लिए, ये BSc MSc की वीडियो आपके तब काम आएंगे जब आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी जो मैथ्स है उसमें BSc MSc की मैथ्स होती है। तो जब आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे, इवन अगर आप IIT से भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको ग्रेजुएशन में मैथ्स के अच्छे टॉपिक पढ़ने को मिलेंगे, तो फिर मेरे ये BSc MSc की वीडियो की आपको याद आएगी और इनको पढ़कर वहाँ भी आप सीखेंगे। और उसके बाद अगर आप गेट की तैयारी करने जाएंगे तो फिर यही सब मैथ्स काम आती है जो हम BSc MSc में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी MTech के लिए गेट एग्ज़ाम होता है ना, आपको मालूम होगा, नहीं मालूम हो तो मालूम चल जाएगा आगे चल के। तो वहाँ पर भी आपको ये मेरे BSc MSc के मैथ्स के वीडियो बहुत काम देंगे, ध्यान रखना बेटा। तो अगर आप 11 में आ चुके हैं तो हमारा आपका साथ अगले 5-6 साल के लिए कम से कम बना रहेगा और आप मस्त होकर पढ़ते रहेंगे बिना किसी टेंशन के, ठीक है बच्चों। तो मेरी बातों को याद रखना, उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा होगा, और अगर फ़ायदा हो जाए तो मुझे कमेंट करके एक बार थैंक यू बोल देना, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।